आज हमारा कोची में पहला दिन है। अभी हम लोग तो हमारा साइट सीइंग शुरू कर दिए हैं। अभी हम लोग एक टेम्पल आए हैं, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जा रहे हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, करवाती हूँ। आप लोगों घंटी सुनाई दे रहा होगा, पूजा चल रहा है मेरी। ये सब जगह पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो दीप लगाने के लिए, दिया लगाने के लिए, और यहाँ पे पाइप लगा हुआ है जहाँ से कि जो दिया का जो ऑयल होता है ना, यहाँ पे आके। ये है मंदिर का एंट्रेंस, यहाँ पे एक दुकान है, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ अंदर कैसे जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे सब लोग चप्पल रखते हैं। लिखा हुआ है इंग्लिश में, लिखा हुआ है आई थिंक मलयालम में लिखा होगा, समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी मुझे, क्योंकि मलयालम में है। इस तरफ जूता वगैरह वहाँ पे रखते हैं, मलयालम में लिखा हुआ है। यह मंदिर यहाँ पे एक छोटा वाला है जहाँ पे दिया रखते हैं, चलिए मैं आप लोगों को आके दिखाती हूँ। ये वाला जो मुंडी होता है जहाँ पे पैसा देते हैं, दान करते हैं, वो वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे QR कोड भी है। जैसे दिया जलाते हैं ना यहाँ पे, ऐसे ही उस पर जाकर तेल डालते हैं। देख पा रहे हो कि आगे किस टाइप का मूर्ति बनाते थे, देखिए ये मंदिर में पूजा चल रहा है भगवान का। अंदर तो अलाउ नहीं है इसलिए रिकॉर्डिंग करना था, इसलिए मैं अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, बट बाहर का करते हैं। बेसिकली विष्णु जी का टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी का ही सारा अवतार का, वहाँ पे अंदर जो था सारा अवतार का ही वहाँ पे मूर्ति बनाया गया था। क्या डिफरेंट डिफरेंट रूप का जो होता है विष्णु जी का, उसका रूप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि यूज ऑफ कैमरा वीडियो बैग एंड मोबाइल फोन था स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसलिए ये पूरा मंदिर जैसे आप लोग देख रहे हो ना, पूरा मंदिर का बाहर पूरा ऐसे दिया वहाँ पे जलाते हैं। बहुत अच्छा है सेटअप यहाँ का,
जैसे जो बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया गया है साउथ का। ये तो मुझे लगता है चेन्नई में मैं जब थी वहाँ पे इतना मंदिर में नहीं घूम पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा घंटा लगा हुआ है। देखिए इसमें कितने बारीकी से कैसे किया गया है काम। बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर है, इसका जो स्पेस होता है बहुत बड़ा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मुझे लगता है ये एक कस्टम है, ऐसा पूजा होता है। पूजा होने के बाद ऐसे घूमते हैं चारों तरफ मंदिर। दोस्तों अभी तो हम लोग वो टेम्पल घूम चुके हैं पूरा, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारा सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, वो एक पैलेस है। अभी हम लोग घूम के यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग आ गए हैं। पापा तो आज खाती हूँ मैं, हाँ वहाँ पे बैठे हैं, और ये भैया है। हाँ पता, हम लोग तीन बैठे हैं पीछे, पापा आगे बैठे हैं और भैया गाड़ी चला रहे हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकोनट ट्री है। ये कोकोनट ट्री कहाँ पे होता है पता है? ये ना जहाँ पे सी बीच होता है ना, बीच के एरिया में, वो वहाँ पे होता है। जैसे कि पूरी में भी आपको बहुत सारा कोकोनट ट्री देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पैलेस की तरफ और ये हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन है। कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे एक पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एक लेक तरह है, लेक तो नहीं बोलते हैं इसको। ये कौन सा रिवर है? ये बैक वाटर है, भैया बोले कि ये बैक वाटर है। देखिए आप लोग देख पा रहे हो पूरा वाटर पूरा सी में जाता है ये वाला वाटर। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं पैलेस घूमने के लिए। ये जो पर्तुगीज थे उसकी जमान, मतलब उनके ज़माने का ये पैलेस है। अंदर भी चलते हैं देखते हैं। ये टेंपल लिखा गया है, पता नहीं टेंपल, ओके टेंपल उस तरफ एक टेंपल है, ओके इस तरह का है। सुंदर व्यू है। शाम को वहाँ पे उस तरह एक जगह था, जब कि शाम को हम लोग वहाँ पे बैठ सकते हो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने। देखिए इतना अच्छा नज़ारा है, वहाँ पे बोट वगैरह है, लगता है वहाँ पे फिशिंग करने के लिए भी जाते होंगे। हाँ चलते हैं अभी, माँ और अभिलाष तो आगे चले गए हैं, अभी हम दोनों चल जा। जैसे कि हमको लगता है कि पहली बार मैं आके यहाँ पे कोई पहला कैमरा शूटिंग कर रहा है। यहाँ पे जो जानवरों का होता है ना, वो पूरा
घर में बना के रखते हैं। उसका भी वहाँ पे ही कड़ी हुआ है। चलो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। म्यूजियम का जो टिकट लेते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर, और ये वाला देखिए कामधेनु, मैं बड़ा करके आपको नाम दिखाई देगा, देखिए देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। सीरियसली साउथ का उसका अलग ही चार्म है। और ये था एंट्री, जिससे में एंट्री किए थे हम लोग। ये ट्राइबल ज्वेलरी देखिए, इनका जो अंगूठी है ना। स्पून होल्डर बड़ा सा काले का दिख रहे हो आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है स्पून होल्डर। ये है 18th century का, यहाँ पे देखिए मूर्ति वगैरह, ये सारा है 16th to 18th century का। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, ये है टेम्पल डोर विष्णु जी का। ये 17th century का वुडन बैग देखिए। ऊपर जाएंगे और एक फ्लोर है, ये है गया पहला फ्लोर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर के जाने के लिए ये और एक सेक्शन है, वहाँ पे सेक्शन है मतलब सेक्शन है, और एक सेक्शन है ऊपर, यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगा हुआ है। और ये है स्टेयरकेस, चलते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा है ये वाला सब कुछ, ये सारा 18th 16th ये सब सेंचुरी का है। माँ
क्रिसमस से मास्क। सामने तो मेरा पापा फोटो खींच रहे हैं, वो भी अपना वीडियो बना रहे हैं, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये सी तो आज का ज़माना का है, देखिए साटू परफेक्ट है। ये देखिए ये सारा उस ज़माने का वो वाला है जो ज्वेलरी वगैरह होता है ना, ये गले में पहनते हैं, हार वगैरह। यहाँ पे देखिए ये है क्लासिक गैंग सब केरला, वहाँ पे ऊपर लिखा गया है। ये मोहिनी अट्टम ज्वेलरी देख रहे हो आप, वहाँ पे एक फोटो भी लगा हुआ है, एक मैं बड़ा करती हूँ स्क्रीन को और आपको देख पाओगे। देखिए ये सब ये ज्वेलरी पहन के डांस करते हैं। नीचे है इसका एंटीक पीस वगैरह है जो कि कोई हेरिटेज का है, इस्लामिक हेरिटेज का है, ये इस्लामिक का 17th सेंचुरी का है। ये देखिए पहले ज़माने के ज्वेलरी बॉक्स देखिए इतना बड़ा बड़ा होता है, हमारे यहाँ पे तो अभी छोटा छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऊड़ का भी यूज़ नहीं करते। ये देखिए डांस का जो पहन के करते हैं, सुंदर सुंदर है। पास से दिखाती हूँ, देखिए ये तो अभी हम लोगों को ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इस टाइप का तो नहीं मिलेगा मुझे लगता है, मे भी पता नहीं मिल भी सकता है। इस तरफ भी है देखिए, देख सकते हो इस तरफ भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये तो सेल के लिए भी है, देखिए आप लोग अभी आओगे तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है, आप लोग ले भी सकते हो ये सब सेल के लिए, घर में लेके घर में सजा सकते हो। इधर देखिए तो फेस पेंटिंग जो नीचे में आपको दिखाई वहाँ पे भी उसका है। आगे खड़े हो गए, वो लोग की फ़ोटो खींच रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ, देखिए तरफ से कोशिश करूँगी बहुत सारा आ जाए एक ही पिक्चर में, तो आप लोगों को भी आसानी होगी देखने के लिए। यहाँ पे देखिए इस तरफ उनका में भी मुझे ऑफिस वगैरह कुछ है, और ऊपर ऐसे उसका फेस मास्क वगैरह लगा हुआ है पहले जमाने का। इसी यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे हो ये वाला सेक्शन पूरा इस टाइप का, उस तरफ से अंदर में आके ऐसे बहुत सारा सामान है, बहुत सारा देखने के लिए चीज है यहाँ पे, आप लोग आओगे तो बहुत जरूर। सॉल्ट रेस्टोरेंट